नमस्ते दोस्तों आपको हमारे चैनल पर स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इसके हम इसके अंदर हम मेनली दो के दो चीज़ के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहली बात तो हार्ट और दूसरी बात ब्लड वेसल्स तो हम इसके इंट्रो के बारे में बात करते हैं तो पहला पॉइंट दे रखा है सी कंसिस्ट ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स इसका मतलब ये है कि सी जो है इसके अंदर हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में पता करेंगे हम और दूसरा पॉइंट दे रखा है सी वी एस रेस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बाय पंपिंग ऑफ हार्ट यानी सी वी एस जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है सर्कुलेशन में बाय द पंपिंग ऑफ हार्ट हार्ट के पंपिंग के द्वारा सी वी एस कंसिस्ट ऑफ टू ब्लड वेसल्स तीसरा पॉइंट ये इसका मतलब ये है कि सी वी एस जो है वो दो ब्लड वेसल्स के द्वारा कंसिस्ट होता है पहला आर्टरी और दूसरा वैन आर्टरी जो है वो रेड कलर की होती है और वैन जो है वो ब्लू कलर की होती है आर्टरी का काम होता है ये ब्लड को ट्रांसफ़र करती है हार्ट से टिश्यू में जबकि वैन का काम होता है कि ये ब्लड को टिश्यू टू हार्ट में ट्रांसफ़र करती है फॉर ऑक्सीने ऑक्सीजनेशन ठीक है अब हम इसके अंदर देखेंगे आर्टरी का तीसरी फंक्शन देखेंगे कि इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रजेंट होता है और वैन में डी ब्लड प्रजेंट होता है चौथा देर का इसके अंदर थिक वॉल होती है आर्टरी के अंदर और वैन के अंदर थिन वॉल होती है लार्जेस्ट आर्टरी जो है वो बॉडी के अंदर प्रजेंट होती है अरोटा और स्मोलेस्ट होती है आर्ट्रियज़ और वेन जो है वो सबसे लार्जेस्ट होती है सुपीरियर वेन क्या हुआ और इन्फीरियर वेन क्या हुआ और स्मोलेस्ट होती है वेन्यूज बट इसके अंदर एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि आर्टरीज के अंदर एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी अब आर्टरी का काम तो ये है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है बट पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो डी ब्लड लेके जाती है ठीक है और उसके बाद दे रखा है इसके अंदर वैन के अंदर वैन के अंदर भी एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी वैन पल्मोनरी वैन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है लंग्स से बट वैन का, का काम होता है डी ब्लड लाने का तो ये उसका अपोजिट काम करती है अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आर्टरीज एंड वैन आर इंटरकनेक्ट विथ स्मॉल एंड नैरो ब्लड वेसल्स नॉन एज कैपिलरी आर्टरीज और वैन को इंटरकनेक्ट यानी आपस में जोड़ने वाली जो पतली और नैरो स्मॉल और नैरो जो ट्यूब होती है उसको हम बोलते हैं कैपिलरीज कैपिलरीज जो है वो परमिएबल होती है अब अगला पॉइंट है कैपिलरीज आर परमिएबल टू एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रिएंट्स वेस्ट प्रोडक्ट वाटर एक्सेट्रा फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड एंड वर्सा इसका मतलब ये है कि कैपिलरी जो है वो परमिएबल होती है टू एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन यानी एक्सचेंज करने में किस किस का एक्सचेंज ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रिशन वेस्ट प्रोडक्ट और वाटर और भी सब्सटेंस का एक्सचेंज करने में कैपिलरी हेल्प करती है और वाइस वर्सा मतलब ब्लड टू टिश्यू भी हो टिश्यू टू ब्लड भी अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कैपिलरी देन गोज टू कनेक्ट ए स्पेशल सेट ऑफ ब्लड वेसल्स विच इज स्मॉल एंड नैरो नॉन एज वेन्यूज अब जो कैपिलरी जो है कैपिलरी बाद में छोटी छोटी स्मॉल और नैरो ट्यूब के अंदर कनेक्ट uh, हो जाती है जिसको हम बोलते हैं वेन्युल्स जो बाद में वैन के अंदर कनेक्ट हो जाती है तो अगला पॉइंट दे रखा है वेन्यूल्स इज़ देन कनेक्ट टू वैन यानी जो वैन्यल्स है जो छोटे छोटे ट्यूब ब्लड वेसल्स है oh. वो देन फर्दर uh, आगे जाके के में मिल जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है वैन ट्रांसफ़र ब्लड बैक टू हार्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ ऑक्सेशन वेन जो है वो ब्लड को ट्रांसफर करती है वापस हर्ट के अंदर फॉर द पर्पस ऑफ ऑक्सीजनेशन यानी ऑक्सीजनेशन के पर्पस के लिए नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है ए स्पेशल सेट ऑफ आर्टरी एंड वेन सर्कुलेट द ब्लड टू लंग्स एंड कम बैक टू हर्ट यानी इसके अंदर एक स्पेशल सेट होता है आर्टरीज और वेन का जो ब्लड को सर्कुलेट करता है टू द लंग्स एंड कम बैक टू द हार्ट यानी हार्ट और लंग्स के बीच में आर्टरी और वेंस का एक स्पेशल सेट होता है जो इसको ब्लड को सर्कुलेट करता है ऑक्सीजनेशन के लिए नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर ये देखा है सी डिफाइंड एज टू टाइप ऑफ सर्कुलेशन अब सी जो है वो दो टाइप से सर्कुलेट करता है ब्लड को पहला है सिस्टमिक सर्कुलेशन और दूसरा है पल्मोनरी सर्कुलेशन अब हम बात करेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन के बारे में तो सिस्टमिक सर्कुलेशन को हम ग्रेटर सर्कुलेशन ही बोलते हैं अब हम इसको देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि इट इज़ नोन एज ग्रेटर सर्कुलेशन ये हमने अभी पढ़ ही लिया है नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि द ब्लड पम्प फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल पास थ्रू ए सीरीज़ ऑफ़ ब्लड वेसल्स ऑफ आर्ट्रिय सिस्टम एंड रीज द टिश्यू यानी ब्लड जो है वो पंप होगा कहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से पास थ्रू ए सीरीज़ ऑफ़ ब्लड वेसल्स ऑफ आर्ट्रियल सिस्टम यानी इसके अंदर ये दे रखा है कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पास होगा ए सीरीज ऑफ वेसल्स ब्लड वेसल्स सी, वेसल की सीरीज से तो ये टिशू तक पहुँचेगा आर्ट्रियल सिस्टम के द्वारा अगला इसके अंदर पॉइंट दे रखा है कि एक्सचेंज ऑफ वेरियस सब्सटेंस बिटवीन ब्लड एंड द टिशू टेक्स प्लेस इन द कैपलरी अब इसके अंदर क्या होगा कि जो सब्सटेंस है वो ब्लड से टिशू में और टिशू से ब्लड में कैपलरी द्वारा एक्सचेंज होंगे आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस इन द कैपलरी द ब्लड एंटर द वेन सिस्टम एंड द रिटर्न टू राइट एट्रियम एंड देन अब इसके अंदर देखो हम समझने वाली बात यह है कि एक्सचेंज के बाद में जो सब्सटेंस है एक्सचेंज के बाद में ब्लड एंटर टू द वीन सिस्टम आर्ट्रो सिस्टम से वीन सिस्टम आ जाएगा कैपलरी के थ्रू एंड रिटर्न टू द राइट एट्रियम उसके बाद ये जो ब्लड है वो राइट right एट्रियम में चला जाएगा एंड देन द राइट वेंट्रिकल उसके बाद राइट right वेंट्रिकल में चला जाएगा और दिस इज़ कंप्लीट द सिस्टमिक साइकिल और ये सिस्टमिक सर्कुलेशन कंप्लीट हो जाएगा अब सेकंड है पल्मोनरी सर्कुलेशन पल्मोनरी सर्कुलेशन को लेसर सर्कुलेशन ही बोलते हैं और इसका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ब्लड इज पम्प्ड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी ब्लड जो है वो राइट right वेंट्रिकल से पम्प होगा टू लंग्स लंग्स के लिए बाय पल्मोनरी आर्टरी द एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर्स बिटवीन ब्लड एंड एलोई ऑफ द लंग्स यानी अब ब्लड और एलवेला के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होगा जिससे कि ऑक्सीजनेशन होगा तो नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है द ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न टू लेफ्ट एट्रियम थ्रू द पल्मोनरी वैन और जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हुआ है वो वापस रिटर्न होगा लेफ्ट एट्रियम में थ्रू पल्मोनरी वैन के थ्रू थस द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको हम आर ब्लड भी कहते हैं इसका मतलब ये है कि लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है जिसको हम आर ब्लड भी कहते हैं और राइट साइड में जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है जिसको हम विनस ब्लड सर्कुलेशन को डायग्राम के थ्रू समझेंगे देखिए सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ से यानी यहाँ से चालू होगा यहाँ से चालू होने के बाद में ये जाएगा आर्टेरियल सिस्टम के अंदर आर्टीएल सिस्टम जो है वो टिश्यू के अंदर जाएगा और ये जो टिश्यू है यहाँ पे होगा एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस यानी यहाँ पे ऑक्सीजन सी ओ टू और न्यूट्रिशन वगैरह का एक्सचेंज होगा एक्सचेंज होने के बाद में फिर ये जो ब्लड जो है वो वीनस सिस्टम के अंदर आ जाएगा वीनस सिस्टम के अंदर आने के बाद में ब्लड ये ब्लड आएगा वीनस सिस्टम के बाद में राइट right एट्रियम में राइट एट्रियम एम आने के बाद में ब्लड जाएगा सीधा राइट right, वेंट्रिकल के अंदर राइट right वेंट्रिकल के अंदर जाने के बाद में जो हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आगे जो हमारा पलमनरी सर्कुलेशन है वो चालू होगा कहाँ से राइट right वेंट्रिकल से राइट right वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो जाएगा किसके अंदर <coughs> वो जाएगा लंग्स के अंदर लंग्स के अंदर जाएगा लंग्स के अंदर जाके जो एलवलोई है लंग्स की उसके अंदर जाके मिल जाएगा उसकी कैपिलरी में जाके मिल जाएगा तो वहाँ होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेज यानी जो लंग्स की कैपिलरी और एलवोई के बीच में जो है वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगी और ऑक्सीजनेशन होगा और ब्लड का जब ऑक्सीजनेशन हुआ उसके बाद में ब्लड जाएगा आर्टेरियल सिस्टम के अंदर आर्टेरियल सिस्टम के अंदर जाने के बाद में वो जाएगा लेफ़्ट एटीएम में लेफ्ट एटीएम में जाने के बाद में ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगी और हमारा जो ब्लड है वो कंप्लीट सर्कुलेशन हो जाएगा ऑक्सीजनेशन हो जाएगा और डीऑक्सीजनेशन दोनों इसके अंदर कंप्लीट हो जाएगा